हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं एक बार फिर प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपका मॉडल सेट बच्चों देख रहे थे, आपका फर्स्ट मॉडल सेट है और हमने फर्स्ट लेक्चर बच्चों देख लिया था, जिसमें हमने बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका बहुविकल्पी था और क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बच्चों आपका दो दो नंबर का था उसको हमने देख लिया था। आज हम बच्चों आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से, तो आइए स्टार्ट करें। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है बच्चों क्या होता है जब, इससे पूछा बच्चों क्या होता है जब, क्या बच्चों क्या होता है जब। इसमें दिया है बच्चों क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। क्या है बच्चों क्लोरीन आयोडीन को, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। तो क्या होगा बच्चों, तो इसके लिए बच्चों आपको कहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण बच्चों आपको लिखनी है। तो आइए इसके लिए हम रासायनिक समीकरण बच्चों लिखें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो देखिए बच्चों क्लोरीन है मतलब क्या बच्चों Cl2, किससे अभिक्रिया करें बच्चों आयोडीन मतलब I2, और बच्चों आपका जल है मतलब क्या है H2। तो कह रहा है यदि इनसे अभिक्रिया करा दें तो क्या आपका उत्पाद बनेगा, आपका ये अभिकर्मक है बच्चों इनके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या आपका उत्पाद बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आयोडीन है ना बच्चों, तो जहाँ पर भी बच्चों आपको आयोडीन मिल जाए और आपको यदि जल मिल जाए तो आप समझ लीजिए बच्चों आपको हाइड ये HiO3 बनेगा बच्चों। क्या बनेगा आपका बच्चों HiO3, और HiO3 का जो नाम होता है बच्चों आयोडिक एसिड होता है। क्या बच्चों आयोडिक एसिड। HiO3 का क्या नाम है बच्चों आयोडिक एसिड है, आपको ये बन गया बच्चों। और आपका क्या यहाँ पर Cl दिखाई पड़ रहा है, तो Cl दिखाई पड़ रहा है बच्चों कितने Cl है, दो Cl है, और यहाँ पर आयोडीन क्या है दो है बच्चों। तो यहाँ हमने क्या है HiO3 निकाला, अगर यहाँ पर दो करें तो बच्चों कितने आयोडीन हो जाएंगे, यहाँ पर दो आयोडीन हो जाए, और ऑक्सीजन कितने चाहिए बच्चों तीन दूनी छः, और छः ऑक्सीजन करना होगा बच्चों तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6H2O, तो कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों चार, दो यहाँ पर बच्चों हो गए, और यहाँ पर छः दूनी 12 हो गया बच्चों, और यहाँ अगर Cl लगाए तो कितना हो सकता है बच्चों आपका 6HCl, और यहाँ पर बच्चों हमने 3 कर दिया। क्या आपकी ये संतुलित है, देखिए 6 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर 6, 2 कितने हैं बच्चों आपके 8 हुआ गया, और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके 12 है, तो यहाँ पर बच्चों कम से कम आपको 10HCl चाहिए बच्चों। कितना चाहिए 10HCl चाहिए, तो यहाँ 10HCl हो गया बच्चों, और यहाँ पर 10HCl करेंगे तो आपको क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा 5Cl2। अब देखिए बच्चों तो 10HCl 2 10 2 12 जल, यहाँ पर बच्चों 6 2 12 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मतलब आपका संतुलित हो गया। आयोडीन बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मतलब ये भी संतुलित है, और क्लोरीन बच्चों देखिए 10HCl है बच्चों, और यहाँ पर क्या है 5Cl2 मतलब ये अभिक्रिया आपके बच्चों क्या है संतुलित होती है। ये अभिक्रिया है बच्चों जब अगर क्लोरीन की अभिक्रिया आयोडीन की उपस्थिति में यदि हम जल से कराते हैं बच्चों, तो ये क्या करती है आपका आयोडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों फॉर्म करेगी। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, और इसके बारे में हम देखें। तो दूसरा कह रहा है बच्चों क्लोरीन ठंडे जल एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठंडे जल एवं तनु
सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करती है तो क्या बनेगा बच्चों? अगर बच्चों क्लोरीन तनु, क्लोरीन ने तनु एवं तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड एवं ठंडे जल से क्रिया करती है तो बच्चों आपका क्या होगा? इसके लिए आपका रासायनिक अभिक्रिया बच्चों रासायनिक समीकरण आपसे बच्चों पूछ रखा है। तो बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या बच्चों? क्लोरीन मतलब Cl2 तनु NaOH। तनु NaOH का क्या मतलब बच्चों? आपका जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है वो आपका जल में मिला हुआ बच्चों ठंडे जल में मिक्स है तो क्लोरीन Cl2 NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ देखिए Na है यहाँ पर यहाँ पे Na है बच्चों, यहाँ पर क्या आपके Cl2 है तो ये अभिक्रिया होगी तो क्या NaCl बन जाएगा बच्चों। क्या बन गया बच्चों आपका? NaCl बन गया। और बच्चों OH है तो OH बच्चों आपका यदि हम दो पर कर दे तो यहाँ बच्चों NaCl तो नहीं बनेगा, अगर यहाँ पर बच्चों देखिए तो NaOCl बन जाएगा बच्चों NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। और बच्चों NaOCl और क्या बच्चों आपका बच्चा HCl तो ये बच्चों आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर देखिए तो कहने का मतलब बच्चों अगर क्लोरीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराएं तो क्या बनेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था बच्चों, क्या था आपका? क्या हो गया? और खा की बात करें बच्चों आइए तो खा में बच्चों पूछ रखा है आपका कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। अभिक्रिया की कोटि क्या पूछा बच्चों? अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए, ये बच्चों पूछ चुके हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले बच्चों हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? क्या बच्चों? अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले फोकस करने वाली बात है बच्चों अभिक्रिया की कोटि, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है बच्चों उसमें उपस्थित जितने भी अभिकारक होते हैं जितने सांद्रता टर्म होते हैं उनके घातों का योग क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या बच्चों आप कह सकते हैं उन क्रियाकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों अभिक्रिया की कोटि के लिए? वेग नियम में उपस्थित, वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों, वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातों का, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाती है बच्चों? योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बच्चों? वेग नियम में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाएगा बच्चों? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसके लिए बच्चों यदि आप इसे बताना चाहे एग्जांपल के माध्यम से भी बचा सकते हैं बच्चों, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर बच्चों हम कोई अभिक्रिया की दर नियम लिखते हैं, वेग नियम बच्चों लिखते हैं, आर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं बच्चों? ए की पावर यहाँ पर हमने स्मॉल ए लिख दिया और बी की पावर बच्चों हमने क्या लिखा? स्मॉल बी लिख दिया। तो बच्चों अभिक्रिया की जो कोटि होगी तो क्रियाकारक की सांद्रता क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी है। तो जो बच्चों कोटि निकल के आएगी वो कोटि क्या निकल के आएगी बच्चों? क्या आएगी आपकी? ए प्लस
बी आएगी, क्या आएगी बच्चों, ए प्लस बी आएगी। तो ये रही बच्चों अभिक्रिया की कोटि। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है बच्चों। तो अभिक्रिया की आणविकता उन क्रियाकारकों की सांद्रता का योग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अगर बच्चों आपको बताएं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, आणविकता बच्चों उन क्रियाकारकों की संख्या होती है जिनमें जो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों भाग लेते हैं। आइए इसके बारे में हम सीखें। अगले बच्चों क्या है आणविकता, आणविकता क्या बच्चों, आणविकता क्या होती है उन क्रियाकारकों की संख्या होती है बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता उन क्रियाकारकों की संख्या होती है बच्चों, उन क्रियाकारकों की, उन क्रियाकारकों की संख्या होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बच्चों आप जानते रहिए। और बच्चों अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे ए है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें केवल अभिकारक ए है, इसमें केवल एक ही अभिकारक है बच्चों, तो इसकी आणविकता क्या होगी, एक होगी। जैसे हमने लिखा ए प्लस बी, इसमें कितने हैं बच्चों, कितने हैं, दो है ना, एक ए है और एक क्या है बच्चों बी है, तो आणविकता कितनी होगी बच्चों, दो होगी। अगर यही आपका तीन होगा तो बच्चों आणविकता कितनी होगी, तीन होगी। और जनरली बच्चों आणविकता की तीन से ज़्यादा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बच्चों, क्योंकि एक टाइम में जो टक्कर करने वाले अभिकारक की संख्या होती है बच्चों या अणुओं की संख्या कह लीजिए तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लगभग 99% बच्चों एक टाइम में केवल लगभग तीन ही परमाणु या अणु आपस में बच्चों क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, इसलिए आणविकता बच्चों आपकी तीन से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर तीन रहा। और बच्चों अब क्वेश्चन नंबर छह आपकी मोलर चालकता है बच्चों, और मोलर चालकता के संबंध में हमने बच्चों आपके पिछले लेक्चर में कहने का मतलब बच्चों जब वैद्युत रसायन हम आपका कर रहे थे तो वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। तो अगली क्वेश्चन है बच्चों कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन से क्या आप समझते हैं, और इसके विषय में हम डिस्कशन करें। तो बच्चों क्या रहे आपका क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीन का बच्चों घ, क्वेश्चन नंबर तीन का घ क्या पूछा बच्चों, मोल अंश से क्या समझते हैं, मोल अंश से क्या समझते हैं बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों। तो मोल अंश क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और इसके विषय में हम डिस्कशन करें। तो मोल अंश बच्चों क्या होता है, इसका सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों जैसे हमने एक विलयन ले लिया बच्चों, इसमें आपके दो पदार्थ एक ए है और क्या है बच्चों एक बी है, हमने ये बच्चों ए के लिए बना दिया ये लाइन, और ये बच्चों क्या बना दिया है आपका बी के लिए लाइन। तो बच्चों आपके ए पदार्थ है और इसमें क्या है बी पदार्थ है, ए भी है बच्चों और क्या है आपका बी भी है। अब आपके दिमाग में बच्चों क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मोल अंश इससे हम कैसे निकालेंगे बच्चों। मान लिया बच्चों आपके जो पदार्थ ए है उसके मोलों की संख्या क्या है बच्चों एन ए है, और जो पदार्थ बी है बच्चों इसके मोलों की संख्या क्या बच्चों आपकी एन बी है। इतनी बातें समझ में आई, पदार्थ ए के मोलों की संख्या क्या बच्चों एन ए है, और पदार्थ बी के मोलों की संख्या क्या बच्चों आपकी एन बी है। तो अगर बच्चों किसी भी अवयव का, किसी भी चाहे विलेय का बच्चों चाहे विलायक का अगर आपको मोल अंश निकालना हो बच्चों तो आप क्या करेंगे, उसके मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या क्या होता अनुपात होता है। तो मोल अंश क्या है बच्चों, विलयन में उपस्थित, लिखिए बच्चों
विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल का अनुपात होता है। क्या होता है बच्चों? अनुपात होता है। कहने का मतलब क्या निकला बच्चों कि विलयन उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन उपस्थित कुल मोल का क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे बच्चों हमने मान लिया यहाँ पर कोई विलयन है और इसके घटक ए और बी हैं, ए के घटक एन ए है और बी घटक क्या है बच्चों? एन बी है। अगर हम घटक ए के मोल अंश की बात करें बच्चों, घटक ए का मोल अंश बच्चों, चाहे मोल अंश पूछ ले बच्चों, चाहे आपसे क्या पूछ ले, मोल प्रभाज पूछ ले, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? एक ही है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों? काई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? काई CHI। और इसे हम काई बजाय आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप इसके लिए क्या एक्स लिखते हैं तो एक्स भी इसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यदि हम घटक ए का मूल अंश की बात करें बच्चों, घटक ए का मूल अंश, तो इसे हम कैसे लिखे बच्चों? एक्स ए। अच्छा ये बताइए बच्चों कि एक्स ए, ए का मोल क्या है बच्चों? एन ए है, तो एन ए लिखे बच्चों। क्या आपका एन ए है? तो एन ए लिखे। और कुल मोल क्या है बच्चों? एन ए प्लस एन बी है, तो आप क्या लिखे? एन ए प्लस एन बी लिखे। एन ए प्लस बच्चों क्या लिखे? एन बी लिखे। तो ये क्या आ गया? ए के लिए बच्चों क्या आ गया? आपका मोल अंश आ गया। और यही बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसे एक मान लिया, और यही बात हम कर ले बच्चों आपके एक्स बी के लिए क्या आएगा बच्चों? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो क्या आ गया बच्चों? ये b के लिए आ गया इक्वेशन नंबर दो बच्चों। तो ये क्या है? आपका मोल अंश है बच्चों। और यदि हम एक्स ए और एक्स बी को जोड़े बच्चों, एक्स ए और एक्स बी को बच्चों आपका जोड़े, तो क्या आएगा बच्चों? एक्स ए प्लस एक्स बी। कहाँ से बच्चों? हमने किया इक्वेशन एक व दो से। तो क्या आएगा बच्चों? एक्स ए क्या बताइए आप? एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस ये क्या बच्चों? एक्स एक्स बी बच्चों क्या है आपका? एक्स बी क्या बच्चों? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी है बच्चों। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर मतलब हर बच्चों क्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस क्या बच्चों? एन बी। और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों? वन आ गया। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों कि किसी भी विलयन उपस्थित अवयव के मूल प्रभाजों का योगफल क्या होता है बच्चों? एक होता है। ये बच्चों आपका खत्म हुआ मूल अंश से आप क्या समझते हैं बच्चों। अगर मूल अंश के मात्रक का बात करें बच्चों, ऊपर भी मूल है और नीचे भी मूल है, तो मूल मूल से बच्चों क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन होता है। क्वेश्चन नंबर चार बच्चों कहा है, क्रोमियम 3+ आयन और Fe4+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों करना है। Cr का और बच्चों क्या? सीरियम Ce का करना है बच्चों। तो आओ इसे हम करें। तो बच्चों सबसे पहले इसने कहा है निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर चार। तो क्वेश्चन नंबर चार ने बच्चों का पूछ रखा है कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। निम्नलिखित क्या बच्चों? निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जैसे बच्चों इन्होंने दे रखा है फर्स्ट Cr3+ बच्चों। तो सबसे पहले Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा आए बच्चों, तो इसे करने से पहले चाहे क्रोमियम का पूछ ले बच्चों, चाहे कॉपर का,
तो सबसे पहला आप किया करिए क्या, सॉल्यूशन में करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। क्रोमियम, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 24 होता है, तो 24 लिखिए आप। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और बच्चों क्या 4s1, और बच्चों क्या आएगा आपका 3d5। तो ये क्या है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। तो ये बच्चों आया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर कहा क्या है Cr3+, तो Cr3+ या +3 बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके विषय में आओ हम जानें। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, यहां पर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बच्चों, सबसे पहले ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी सेल है, ये क्या बाह्यतम कोष है बच्चों, ये क्या है आपका बाह्यतम कोष है। तो बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन गए, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, और तो यहां पर कितना 3d3 बचा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बच्चों, तो 3d3 बचा। तो Cr+3 का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0 और 3d बच्चों क्या होगा 3 होगा। तो ये निकल के आ गया किसका बच्चों, Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गया। और अगला पूछा है बच्चों आपका सी, ये क्या बच्चों आपका सेरियम है, और सेरियम का जो बच्चों परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है बच्चों, आपने पढ़ रखा है तो क्या होता है 58 होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 58 होता है। तो ये क्या रहा सीरियम का बच्चों, तो जेनान, तो जेनान कितना हो गया बच्चों, जेनान बच्चों हो गया आपका 54। अब बच्चों ये जो आपका सीरियम है बच्चों, ये यह ब्लॉक का एलिमेंट है, यह ब्लॉक में कौन सा बच्चों 6 का है बच्चों, 6 आवर्त का, छठे आवर्त का है बच्चों। अब छठे आवर्त में मतलब आपका क्या आता है, लैंथेनाइड आता है। तो लैंथेनाइड का बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6s2 हो गया आपका। अब ये बच्चों 6s2 हो गया, तो 6s2 से पहले बच्चों यह ब्लॉक में भी हम इंटर कर चुके हैं, यह ब्लॉक में भी इंटर कर चुके हैं, तो क्या हो गया बच्चों 6s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, तो 56 तो हो गए बच्चों यहाँ तक, तो यह भी होगा बच्चों, तो यह तो 4f1 और बच्चों क्या होगा आपका 3d होगा नहीं बच्चों, 4f1 और 5d बच्चों क्या होगा आपका 1 होगा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आ गया आपका, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आ गया। तो ये बच्चों आपका अपवाद है, इसे भी बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपका कैसे करेंगे। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों खा में पूछा है रिक्तिका क्या होता है बच्चों, रिक्तिका क्या होता है आपने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, कि जब जब आपके बच्चों धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिक्तिका कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। तो ये डिस्कशन हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अगला बच्चों पूछ रखा है आपको क्वेश्चन नंबर ग में बच्चों, क्वेश्चन नंबर ग में पूछा है बच्चों हिमांक का अवनमन क्या होता है बच्चों, और तथा विलय के अणु भार में क्या संबंध है, तो आओ इसको हम देख लें। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपका ग है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या चल रहा है बच्चों, ये आपका ग है। तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन व अणुभार में संबंध पूछा बच्चों। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों हमने क्या लिया, एक गिलास पानी ले लिया बच्चों, अगर एक गिलास पानी को बच्चों हमें क्या करना है, फ्रीज करना है, क्या करना है बच्चों आपको, फ्रीज करना है मतलब जमाना है बच्चों, तो जमाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा आपका जम जाएगा, और जब जम जाएगा बच्चों, जब ये पानी आपका जमने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक बिंदु कहते हैं। तो हिमांक बिंदु क्या है बच्चों,
और कब कोई पदार्थ जमता है, इसके संबंध में और जाने। देखिए ये आपका कोई लिक्विड है, अगर इसका वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर कुछ होगा। अगर इसका वेपर प्रेशर जो आपका बर्फ होगा, इसके वेपर प्रेशर के क्या, इसका कुछ ना कुछ तो वेपर होगा बच्चों, इसका कुछ ना कुछ तो वेपर होगा, तो लगभग 4 समथिंग इसका वेपर आता है बच्चों। तो ये यदि इसके वेपर प्रेशर के बच्चों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये जल आपका क्या हो जाए, जम जाएगा। तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों, किसी पदार्थ का जो बच्चों आपका हिमांक होता है, जो जमता है बच्चों, तो किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह ताप होता है बच्चों, वह टेम्परेचर होता है जिस पर द्रव क्या होता है, बर्फ के रूप में बच्चों क्या होता है, बदल जाता है। तो कब बदलता है बच्चों, जब आपकी इसका वेपर प्रेशर, द्रव का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, आपका जमने लगता है। तो हिमांक का अनुमान क्या है बच्चों, अगर यही चीज इसमें हम आपका क्या मिला दे, चीनी वगैरह मिला दिए, जैसे हमने C6H12O6 मिला दिया बच्चों, हमने क्या मिला, ग्लूकोज मिला दिया, तो ग्लूकोज मिलाएंगे तो बच्चों आपका क्या, वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर घटेगा बच्चों, और जब आपका वेपर प्रेशर बच्चों क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर, इसके वेपर प्रेशर को बच्चों बर्फ के वेपर प्रेशर तक लाने के लिए अब हमें और ज़्यादा आपको ठंडा करना पड़ेगा, और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा बच्चों। इसका मतलब हिमांक का क्या हो रहा है, हिमांक में कमी हो गई बच्चों। तो आप कैसे बता सकते हैं हिमांक अवनमन बच्चों, तो सल्यूशन क्या है, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, तो हिमांक बिंदु, तो हिमांक बिंदु घट जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन, जिसे क्या बच्चों, हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक का अवनमन कहते हैं। और जो बच्चों आपका हिमांक का अवनमन होता है बच्चों, डेल्टा टी एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्या, विलयन के मोललता के बराबर होता है। तो यहाँ पर जानते रहिए बच्चों, हम जानते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या बच्चों, हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है बच्चों, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, जो डेल्टा टी एफ होगा वो समानुपाती किसके होगा, यम के होगा। मतलब जो डेल्टा टी एफ होगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाए आपका के एफ, और क्या आ गया, यम आ गया। तो जहाँ बच्चों के एफ, जहाँ बच्चों क्या आपका के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है बच्चों, क्या होता है आपका, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों, तो ठीक है। अगर हम अणुभार देखें बच्चों, तो हम जानते हैं कैसा नंबर बच्चों, हमने क्या लिख लिया इसे ए, हम जानते हैं कि जो मोललता होती है बच्चों क्या होती है, मोल अपान डब्लू के जी, पदार्थ के मोल की संख्या, पदार्थ के बच्चों विलय के मोल अपान विलायक का क्या बच्चों, द्रव्यमान इन के जी। तो यन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, विलायक का भार अपान बच्चों क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इंटू क्या बच्चों, डब्लू के जी। अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1000 सब क्या डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, डब्लू अपान यम इंटू क्या बच्चों, डब्लू जी एम, और क्या करेंगे बच्चों,
यहाँ पे बच्चों आपको 1000 आ जाएगा, क्योंकि केजी के किस में ले जा रहे हैं बच्चों, ग्राम में ले जा रहे हैं आप। तो या तो बच्चों आप यहाँ ये वैल्यू उठा कर रख दीजिए, या तो बच्चों ये वैल्यू आप उठा कर रख दीजिए। तो जो मन में आए बच्चों हम यही रख रहे हैं आपका, ठीक ना। तो इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लिए बच्चों, आपका 2 मान लिए। इक्वेशन 2 का मान कहाँ पर रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें बच्चों। देखिए इक्वेशन 1 और बच्चों इक्वेशन 2 से, तो बताइए आप क्या आएगा, जो डेल्टा टी एफ आएगा बच्चों वो क्या होगा, के एफ इंटू डब्ल्यू अपान मूल द्रव्यमान मतलब और इंटू डब्ल्यू के जी। तो ये बच्चों आपका ये निकल कर आ गया। तो ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चों है इसमें आईपीएससी नामकलेचर है बच्चों। तो आईपीएससी नामकलेचर आपका हम बताने से पहले बच्चों, कल आपका एक वीडियो रहेगा जो आपका उप सह संयोजक यौगिकों के आईपीएससी नामकलेचर के बारे में बच्चों वहाँ पर हम बताएंगे। इसके बाद दूसरा लेक्चर जो देंगे हम आपका, वो आपका आईपीएससी नामकलेचर और आपका ये मॉडल सेट का लास्ट होगा बच्चों, और उससे आपका मॉडल सेट पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत। अगर